डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल बचाव कृति समिति द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल के मिहान में स्थानांतरण के निषेध में इंदिरा चौक से LIC चौक तक निषेध रैली निकाली गई। इस समय उत्तर नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नितिन राउत विशेष रूप से मौजूद थे। दरअसल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अनुसंधान केंद्र मिहान क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाने वाला है। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल बचाव कृति समिति निरंतर धरने एवं मोर्चे करी है। इतना ही नहीं तो इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नागपुर संस्थान से संबद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र नागपुर में एक नए स्नातकोत्तर और गहन देखभाल पाठ्यक्रम और 615 बिस्तर वाले अस्पताल शुरू करने के लिए 575.79 करोड़ रुपए के निर्माण बजट की प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के पालक मंत्री के पद पर होते हुए विधायक नितिन राउत ने 1100 करोड़ निधि पारित की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने कम कर दिया है। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर यह मोर्चा निकाला गया था, जहाँ सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।